जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार हिस्ट्री 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए दोस्तों हिंदी हिंदी टेस्ट रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एसएससी ईडी कांस्टेबल के लिए 24,369 पोस्टों के लिए बार बार पूछे जाने प्रश्न है दोस्तों। चौथी क्लास हमारी ये रहेगी, प्रीवियस ईयर पर आधारित ही प्रश्न रहेंगे। और जो भी दोस्त अभी हमारे चैनल पर नया है, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चनों की ओर। ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन हमारे 1 से 3 तक है। नीचे प्रत्येक वाक्य खंड पर शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो विकल्प सही है उसका चयन करें। दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जिस पर कोई लक्षण ना लगा हो तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए निर्दोष, ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों अकलंक, ऑप्शन नंबर सी निष्कलंक, ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों अकलंती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जिस पर कोई लक्षण या दोष ना लगाया तो उसे हम क्या कहेंगे? निष्कलंक। जिस पर कोई कलंक ही ना लगा हुआ है, कलंकित ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? निष्कलंक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हर काम को देर से करने वाला तो उसे हम क्या कहेंगे? दोस्तों, हर काम देर से करता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए दीर्घसूत्री, ऑप्शन नंबर बी विलंबी, ऑप्शन नंबर सी दीर्घदर्शी, ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शी अदूरदर्शी। तो दोस्तों क्या कहेंगे? हर काम में जो देर करता हो तो उसे क्या कहेंगे? दीर्घ श्रुति कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक के बाद एक क्रम से तो उसे क्या कहेंगे? क्रमहीन, क्रमागत, एकांकी, क्रम निर्देश। तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? एक के बाद एक तो उसे क्या कहेंगे? क्रम बाय क्रम, तो यानी कि क्रमागत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक। नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुने। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? कान देना। तो दोस्तों कान देने का मतलब क्या हो जाएगा? हृदय में समाना, क्या दोस्तों सावधान होना, ध्यान देना, या दोस्तों वाज आना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब निकल गया कान देना। कोई व्यक्ति कान दे रहा है तो यानी कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है? बहुत ही ध्यान दे रहा है, ध्यान देना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खेत आना तो युद्ध में शहीद होना, युद्ध में हार जाना, मृत्यु के मुंह में पड़ना, या दोस्तों बेसहारा होना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? युद्ध में शहीद होना। खेत आना का मतलब हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आंखों में चर्बी छाना यानी कि विपत्ति का समय आना, अप्रकृति व्यवहार करना, इज्जत लेना, घमंड से चूर होना। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या आ जाएगा निकलकर? आंखों में चर्बी होना। लोग कहते हैं तुम पे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, तो उसे क्या कहेंगे? घमंड में चूर होना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक चलेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करें। दोस्तों इसमें क्या? सिरतोड़। तो दोस्तों सिरतोड़ में हमारा समास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द्युग, ऑप्शन नंबर बी कर्मधार, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्वंद। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? सिरतोड़ यानी कि सिर को तोड़ने वाला, सिर को। तो दोस्तों को में क्या था? कर्म। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष आएगा। दोस्तों तत्पुरुष, तत्पुरुष समास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोपहर, दोस्तों दोपहर को क्या कहेंगे? द्विगु, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। दोस्तों अगर बात करते हैं दोपहर, तो दोपहर का क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा? द्विगु यानी कि दोपहरों का समूह। तो इसमें गिनती आती है, संख्यावाचक आता, तो इसमें द्विगु होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेकाम, तो बेकाम क्या क्या हो जाएगा? बेकाम का बता रहा है। दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष, कर्मदार, बहुव्रीहि, अव्ययभाव। दोस्तों बेकाम की अगर बात करते हैं तो बेकाम, तो यहाँ पे क्या? अव्ययभाव समास हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक चलेंगे। नीचे एक एक शब्द के 4 वर्तनी दी गई है, इनमें से एक वर्तनी शुद्ध है, आपको उसी का चयन करना है। दोस्तों बताना है यहाँ पे धृष्टा या दृष्टा या दृष्टा या दृष्टा दृष्टा। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? दोस्तों दृष्टा की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि रुगण, रुगण, रुगण या रुगण या रुगण। तो इसका दोस्तों शुद्ध रूप क्या हो जाएगा?
रुगण की अगर बात करते हैं तो ये किस प्रकार लिखा जाता है, रुगण लिखा जाता है रु आधा गा आड़ा, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं यहाँ पे क्या मधुराय, तो मधुराय किस प्रकार से लिखा जाता है, मधुराय मधु या उसको मधुरता या मधुराय माधुराय। दोस्तों यहाँ पे शुद्ध रूप की अगर बात करते हैं तो शुद्ध रूप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ये रा था, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ये दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से लिखा था, ये ऑप्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए मधुरा इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक चलेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम के लिए चार चार क्या दोस्तों चार चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन करें, कृपण अधम दानी दोस्तों कृतघ्न। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी बात की जा रही है, दोस्तों कृपण का बताना है, दोस्तों कृपण का विलोम क्या हो जाएगा या दोस्तों कनिष्ठ हो जाएगा कृपण का, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। कृपण की अगर हम विलोम की बात करते हैं तो दोस्तों कृपण का विलोम क्या हो जाएगा, तो कृपण का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे दानी हो जाएगा, क्या दानी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्षणिक, दोस्तों क्षणिक तो क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा, शाश्वत सपेच या बृह क्षुद्र। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्षणिक तो क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा, शाश्वत, यानी कि कुछ या इसमें क्या क्षणिक का मतलब कुछ पल के लिए और शाश्वत का मतलब यानी कि बहुत समय के लिए हमेशा के लिए, तो उसे क्या कहेंगे शाश्वत, विलोम बुझा गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं स्वदेश, तो स्वदेश का विलोम क्या हो जाएगा, गांव नगर परदेश या स्वर्ग। स्वदेश का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, परदेश, स्वदेश का मतलब यानी कि अपना देश और परदेश यानी कि पराया देश, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक चलेंगे, तो इसमें दोस्तों क्या नीचे प्रत्येक शब्द की संधि संधि के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो विकल्प सही है उसका चयन करें। तो यहाँ पे क्या ग्रीस, तो ग्रीस में दोस्तों कौन सी संधि है, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो ग्रीस में अगर हम संधि की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों पहचान क्या, बीचों बीच में बड़ा बड़ा का डंडा है, बड़ी की मात्रा हो तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, क्या दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगी। वृद्धि की बात करते हैं इसमें दोस्तों दो मात्राएं हो, ठीक है दोस्तों क्या हो, दो मात्राएं तो वहां पे क्या हो जाएगी वृद्धि। गुण की अगर बात करते हैं तो गुण में दोस्तों एक मात्रा हो तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी गुण। यण की अगर बात करते हैं, यण संधि में दोस्तों क्या आता है, वा और या से पहले हमारा क्या हो जाएगा, इनसे तो इनसे पहले दोस्तों हमारा क्या आधा आधा व्यंजन होगा, आधा वर्ण, आधा वर्ण, तो इस प्रकार पहचान सकते हैं। अयाद संधि में दोस्तों क्या होता है, अयाद संधि में ये होता है दोस्तों अधिकतर दोस्तों क्या तीन वर्ण का शब्द होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों यहाँ पे संधि दीर्घ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्या आत्य अत्युत्तम, दोस्तों इसमें कौन सी संधि हुई, अयाधि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अभी दोस्तों हमने बताया था तो आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारी क्या जाएगी, यण संधि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं देव ऋषि, तो देव ऋषि में दोस्तों हमारा कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, यण संधि या अयाध संधि या वृद्धि संधि। दोस्तों देव ऋषि में अगर हम बात करते हैं तो गुण संधि हो जाती है, और गुण संधि में दोस्तों क्या ऋण की मात्रा भी होती है, क्या ऋण की मात्रा जिसमें हो वो भी क्या हो जाएगी, गुण संधि। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक, नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द के लिए तीन विकल्प समानार्थी और एक विकल्प असमानार्थी दिया गया है, असमानार्थी विकल्प का चयन कीजिए, जो दोस्तों असमानार्थी हमारा है उसका चयन करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या इच्छा, तो दोस्तों इच्छा का असमान आर्थिक की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, तो इसका असमान आर्थिक क्या हो जाएगा, लोचन, मनोरथ, काम, हिदा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोचन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 मेघ पुष्प का, मेघ पुष्प की अगर बात करते हैं इसका दोस्तों क्या असमान आर्थिक क्या हो जाएगा, शारंग, वारी, फय, अवनी। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों अवनी, अवनी किसका होता है, धरती, धरती का पर्यायवाची क्या होता है, अवनी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 मधुव्रत की बात करते हैं तो इसका क्या जाएगा, भौरा या पृवी या मधुप भ्रंग, तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, पृवी हो जाता है, यह मधुव्रत का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22
पक्षी, पक्षी की अगर बात करते हैं इसका आसमानाती ध्वज, पतंग, धनुज या तो शकुन, तो इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे तो क्या कहेंगे? धनुज कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों 23 से 25 तक चलेंगे। नीचे नीचे लिए गए यहाँ पे दोस्तों क्या, नीचे दिए गए पशु पक्षियों की बोलियों बोलियों के अनुसार रिक्त स्थानों को भरे। भंवरा करता है क्या? गुंजार करता है, रेखता है या दोस्तों प्यू प्यू करता है, या फिर क्या प्यू 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 करता है या दोस्तों टेटे करता है। दोस्तों भंवरा की अगर बात करते हैं तो भंवरा दोस्तों क्या करता है? भंवरा दोस्तों गुलजार करता है, गुलजार करता है, ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उल्लू, उल्लू दोस्तों क्या टटराता है या दोस्तों धुधुआता है या दोस्तों बागवान करता है या दोस्तों कूकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्लू। उल्लू की अगर बात करते हैं ये दोस्तों क्या करता है? धुधुआता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है दोस्तों। बकरा क्या करता है? देश है, रंबाती है या दोस्तों किकी आती है या मिमियाता है या दोस्तों चुकराती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बकरा दोस्तों क्या करता है? मिमियाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी के साथ दोस्तों हम आपके लिए लाते रहूंगा दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन SSC GD के लिए। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।